तो हाँ, तो दोस्तों हाजिर आपके लिए एक और नई धमाकेदार वीडियो लेकर। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी होम थिएटर के साथ बेस टॉप को कैसे चलाएं सबसे आसान तरीके से। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा किसी भी होम थिएटर के साथ आप बेस टॉप को कैसे कनेक्ट कर सकते हो। सबसे आसान तरीका आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और देखिए दोस्तों, वीडियो में आपको बता दूं, आपके पास कोई भी होम थिएटर हो सकता है, चाहे वो दो स्पीकर वाला हो, चार स्पीकर वाला हो, टावर होम थिएटर हो, कोई सा भी दोस्तों होम थिएटर हो, आप किसी भी होम थिएटर के साथ बेस टॉप को कैसे चला सकते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से प्रोडक्ट की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है और किस तरह से आपको इसके कनेक्शन करने हैं। और देखिए दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो इससे रिलेटेड आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो आज की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, कृपया करके आप वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों जो नए लोग हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो, सबसे पहले है हमारे पास ये 8 इंच की बेस टूब। आपके पास किसी भी कंपनी की बेस टूब हो सकती है, और 8 इंच भी हो सकती है और 10 इंच भी हो सकती है। ये इनबिल्ट एम्पलीफायर वाली बेस टूब है हमारी। और देखिए दोस्तों, साइड में अगर हम यहाँ पर चलते हैं, ये है मेरे पास 2 स्पीकर वाला होम थिएटर, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो, ओल्ड मॉडल ये हमारा होम थिएटर है। और ये देखिए दोस्तों, साइड में है हमारे पास एक 12 वोल्ट 40 एम्पियर की पावर सप्लाई। और ये भी मैं आज की वीडियो में आपको बता दूंगा आपको कितने एम्पियर की पावर सप्लाई लेनी है अपने सेटअप के हिसाब से। और ये देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास एक कन्वर्टर, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो, ये हमारा RCA कन्वर्टर है। और साइड में है यहाँ पर एक पेचकस, और एक ये वायर कटर है, और ये यहाँ पर हमने एक टेप लिया है। तो इन्हीं सब प्रोडक्ट के दोस्तों हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास पावर सप्लाई, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। पावर सप्लाई की ज़रूरत हमें क्यों होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे जो होम थिएटर हैं वो चलते हैं हमारे AC करंट से, जो कि दोस्तों बिजली से चलते हैं, लाइट से चलते हैं। और दोस्तों ये जो हमारी बेस ट्यूब है ये चलती है हमारी DC करंट से, जो कि दोस्तों बैटरी के करंट से चलती है। तो दोस्तों अगर हम इसके कनेक्शन यहाँ पर AC में करेंगे, लाइट में करेंगे, तो जो बेस ट्यूब है वो हमारी ख़राब हो जाएगी। तो इसके चलाने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर AC DC कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है, जिसे दोस्तों पावर सप्लाई भी यहाँ पर हम बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको कितने एम्पियर की यहाँ पर पावर सप्लाई लेनी है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास 8 इंच की बेस ट्यूब है तो आपको 12 वोल्ट 30 एम्पियर की पावर सप्लाई लेनी है। और अगर आपके पास इस तरह की यहाँ पर 10 इंच की बेस ट्यूब है तो आपको 12 वोल्ट 40 एम्पियर की पावर सप्लाई लेनी है। और ये पावर सप्लाई आपको अमेजोन पर मिल जाएगी। और इस वीडियो में आपको जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पर दिखा रहा हूँ वो सब आपको अमेजोन पर मिल जाएंगे। अगर आपको ऑनलाइन खरीदने हो तो ऑनलाइन खरीदने का लिंक भी मैं आपको इनका डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कनेक्शन की। तो देखिए, पावर सप्लाई के अंदर कुछ इस तरह की हमें कनेक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो, ये यहाँ पर जो हमारे 3 कनेक्टर हैं वो प्लस के कनेक्टर हैं, और ये जो आप 3 कनेक्शन देख पा रहे हो ये हमारे माइनस के 3 कनेक्शन हैं। और ये है दोस्तों अर्थिंग, इसकी कोई खास जरूरत हमें नहीं पड़ती है। और ये है हमारी AC की वायर, जो कि दोस्तों लाइट में लगती है, ये न्यूट्रल है और ये लाइन है। और देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको इसको ओपन कर लेना है, इस तरह से आपको यहाँ पर कनेक्शन करने हैं। तो अभी मेरे पास यहाँ पर रेड और ब्लैक कलर की वायर है, जो न्यूट्रल की वायर है, इसको मैं यहाँ पर ब्लैक कलर में लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका कनेक्शन कर लेता हूँ, ये न्यूट्रल मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। और अगर मैं लाइन की यहाँ पर बात करता हूँ तो ये है हमारी लाइन की वायर, इसको भी मैं सबसे पहले कनेक्ट कर देता हूँ। तो जो अभी AC के कनेक्शन हैं, जो लाइट के कनेक्शन हैं, वो मैंने यहाँ पर कर लिए हैं। तो अब कनेक्शन करेंगे हम यहाँ पर DC के, किस तरह से आपको DC का कनेक्शन करने हैं। ये तीनों माइनस हैं और ये तीनों प्लस हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर इसको बीच में कनेक्ट कर देता हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले DC का जो कनेक्शन है वो यहाँ पर कर रहा हूँ, माइनस वाला। तो चलिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पर प्लस का जो कनेक्शन है वो यहाँ पर कर लेता हूँ, ये हमारे तीनों प्लस हैं, तो इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। और देखिए दोस्तों, अगर मैं इसकी DC की वायरिंग की यहाँ पर बात करता हूँ, तो यहाँ पर जो वायर की लेंथ है वो लगभग 1 बिलेंथ के आसपास है। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 2.5 mm की वायर का। बेहतर होगा आप जो यहाँ पर DC करंट की वायर है उसको कम से कम रखें, और ये जो आप AC की वायर देख पा रहे हो इसको आप कितना भी लंबा रख सकते हो, 2 मीटर 4 मीटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो पावर सप्लाई के कनेक्शन अभी यहाँ पर हो चुके हैं। और देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको एक वायर का टुकड़ा और लेना है छोटा, जो कि दोस्तों आपको इसमें कनेक्ट कर देना है प्लस वाले में।
तो कुछ इस तरह से आपको पावर सप्लाई के कनेक्शन कर लेने हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अभी जो बेस ट्यूब है उसको मैंने यहाँ पर घुमा लिया है, जिस तरह हमें कनेक्शन करने हैं वो साइड मैंने यहाँ पर सामने रख ली है। तो किस तरह से आपको ये कनेक्शन करने हैं, देखिए तीन वायर हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल रहे हैं। तो पहला जो कनेक्शन है ग्राउंड, तो ये ग्राउंड है, तो इसको हमें यहाँ पर माइनस में कनेक्ट करना है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं इसको सबसे पहले यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। तो जो माइनस वाली वायर है वो यहाँ पर हमारी कनेक्ट हो चुकी है, और जो कि दोस्तों 12 वोल्ट है, जो हैवी वाली वायर है उसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 12 वोल्ट के अंदर। तो ये हमारे 12 वोल्ट की जो वायर है, इसे मैं सबसे पहले ओपन करके यहाँ पर लगा देता हूँ। तो ये देखिए, अभी जो हमारी 12 वोल्ट का कनेक्शन है, जो मोटी वाली वायर है वो मैंने 12 वोल्ट में लगा दी है, और ये जो रिमोट केबल है ये आपको इसके अंदर लगानी है। इसी से ही दोस्तों हमारा जो सिस्टम है वो ऑन ऑफ होता है। तो दोस्तों ऑन ऑफ के लिए अभी हम यहाँ पर स्विच नहीं लगा रहे हैं, तो डायरेक्ट ही दोस्तों हमको यहाँ पर जैसे ही हम लाइट में यहाँ पर तार लगाएंगे या स्विच को इसके ऑन करेंगे, पावर सप्लाई के स्विच को, ये डायरेक्ट जो हमारी बेस ट्यूब है वो यहाँ पर ऑन हो जाएगी। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर पावर के कनेक्शन करने हैं। और दोस्तों बेस ट्यूब में कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ इस तरह की RCA पिन ले लेनी है। देखिए दोस्तों, ये दोनों तरफ से एक सी होती हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटी सी लेंथ है, RCA पिन बोलते हैं इनको। और यहाँ पर जैसे कि आप देख भी पा रहे हो, यहाँ पर इनपुट हमें देखने के लिए मिल जाता है और ये है आउटपुट। तो आपको इधर से यहाँ पर इनपुट में कनेक्ट कर देना है, तो रेड रेड में और वाइट वाइट के अंदर। तो जो बेस ट्यूब का कनेक्शन है वो हमारा हो चुका है। अभी बेस ट्यूब के अंदर से हमें यहाँ पर दो पिन यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं, और ये जो वायर आप देख भी पा रहे हो इधर की साइड की, यहाँ पर ये जो वायर है ये हमको लाइट में लगानी है। तो चलिए, इसके कनेक्शन हो चुके हैं, इसको अभी मैं यहाँ पर साइड में कर देता हूँ। अब कनेक्शन की बारी है हमारे होम थिएटर की। तो ये है दोस्तों हमारे पास होम थिएटर, अब चलते हैं इसकी बैक साइड में। तो ये देखिए दोस्तों, पुराना होम थिएटर है अभी मेरे पास यहाँ पर, इसकी हालत कुछ इस तरह की हो चुकी है। लेकिन दोस्तों आपके पास कोई भी होम थिएटर हो, आपको उसके अंदर इस तरह की पिन देखने के लिए मिलती है। ये है हमारी लाइन इन और ये है लाइन आउट। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे स्पीकर चलते हैं और ये हमारी लाइन इन के लिए होती है। तो चलिए दोस्तों, इसको हमको छोड़ देना है, इस तरह से यहाँ पर छोड़ देते हैं अभी हम इसको। और देखिए दोस्तों, इस तरह के जो हमारे होम थिएटर के स्पीकर होते हैं, इनके अंदर हमें कुछ इस तरह की पिन देखने के लिए मिलती है, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो, जिनको हमको यहाँ पर लगाना होता है। ये इस तरह से पिन इसके अंदर लगती है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसके कनेक्शन बता देता हूँ, किस तरह से आपको कनेक्शन करने हैं। तो ये है दोस्तों हमारे पास RCA कन्वर्टर, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो, RCA कन्वर्टर इसको बोलते हैं। अब आपको इसको कनेक्शन किस तरह से करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, इस RCA कनेक्टर की वायर के ऊपर आपको एक तरफ ग्रीन यहां पर लाइन देखने के लिए मिलती है और एक तरफ यहाँ पर प्लेन है। ये लाइन दोस्तों ब्लैक भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, किसी भी कलर का हो सकती है ये लाइन। देखिए दोस्तों, इस तरह की हमको वायर देखने के लिए मिलती हैं, चार वायर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं जो इसकी वायर है इसको यहाँ पर छील लेता हूँ। तो अभी जो चारों वायर है वो हमारी छील चुकी हैं, और अब हमको कनेक्शन किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारे होम थिएटर की पिन। तो दोस्तों आपको सिर्फ दो ही पिन के अंदर इसको कनेक्शन करना है। जी हाँ दोस्तों, आपके पास चाहे स्पीकर चार हों, पाँच हों, दो हों, तो आपको कनेक्शन सिर्फ दो ही स्पीकर के अंदर करना है। एक स्पीकर का आपको यहाँ पर R ले लेना है, एक दोस्तों आपको यहाँ पर L ले लेना है। तो दोस्तों जो लेफ्ट राइट के कनेक्शन है सिर्फ उसी में हमको यहाँ पर कनेक्शन करना है। कनेक्शन करने के लिए दोस्तों हमको यहाँ पर एक कट लगाना होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, अभी मैंने इस वायर के अंदर कट लगा लिया है, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। तो इस वायर के अंदर हमें यहाँ पर दोस्तों दो वायर देखने के लिए मिलती है, एक है यहाँ पर ब्लैक और एक है दोस्तों यहाँ पर वाइट। आपके केस में दोस्तों किसी भी कलर की वायर हो सकती है, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों आपको कनेक्शन किस तरह से करने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जो वायर दोस्तों आपको इधर वाइट कलर की वायर के अंदर लगाना है, और दोस्तों दूसरा जो हमारा स्पीकर की वायर है उसके अंदर भी दोस्तों आपको वाइट में है वही कलर की वायर लगाना है। तो जो अभी ग्रीन कलर की वायर है वो मैंने यहाँ पर ब्लैक में कनेक्शन कर लिया है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर टेप लगा देता हूँ पहले। तो ये देखिए दोस्तों, अभी जो ब्लैक कलर की वायर है उसको मैंने यहाँ पर टेप लगा लिया है, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। तो अब बचती है दोस्तों हमारे यहाँ पर वाइट कलर की वायर, अब इसका कनेक्शन का नंबर है। तो ये देखिए दोस्तों, इसी तरह से जो दूसरी वायर है उसको अभी कनेक्शन मैंने यहाँ पर कर लिया है, इस पर भी मैं यहाँ पर टेप लगा देता हूँ और एक स्पीकर का जो कनेक्शन है वो फिर हमारा हो जाएगा। तो टेप अभी मैंने यहाँ पर दोनों वायर के अंदर लगा लिया है, और इस तरह से हमने यहाँ पर कनेक्शन कर लिए हैं। एक तरफ साइड के जो हमारे कनेक्शन है वो हो चुके हैं। अब ये हमारे RCA कन्वर्टर की दो वायर बचती हैं, और इसी तरह से दोस्तों हमको दूसरे जो स्पीकर की वायर है, ये दूसरे स्पीकर की वायर है, इसी तरह से हमको इसमें कनेक्शन कर देने हैं।
तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने दूसरे स्पीकर के भी कनेक्शन कर लिए हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। तो दोस्तों, आपको कनेक्शन करते वक्त बस इसी बात का ध्यान रखना है, जैसे कि हमने पहले स्पीकर में ब्लैक कलर की जो वायर है उसमें यहाँ पर ग्रीन कलर का कनेक्शन किया था, इसी तरह से दोस्तों हमने जो दूसरा स्पीकर है ब्लैक कलर की वायर के अंदर ग्रीन कलर का यहाँ पर कनेक्शन किया है और वाइट में वाइट कर दिया है। तो दोस्तों, ये हमारे दूसरे स्पीकर के भी कनेक्शन हो चुके हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर टेप लगा देता हूँ, फिर आपसे वीडियो में मिलता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, जो हमारा RCA कन्वर्टर है इसके कनेक्शन यहाँ पर हो चुके हैं। ये दोनों हमारे स्पीकर की पिन है, इसके अंदर हमने यहाँ पर कनेक्शन कर लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ अपने स्पीकर के अंदर, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। तो देखिए दोस्तों, होम थिएटर के अंदर हमको सिर्फ इतनी ही मॉडिफिकेशन करनी है और हमारा काम यहाँ पर होम थिएटर के अंदर हो चुका है। तो दोस्तों, अब हमको यहाँ पर RCA आउटपुट देखने के लिए मिल जाती है। और ये जो दोस्तों आप RCA देख पा रहे हो, ये हमारे यहाँ पर बेस ट्यूब के अंदर से आ रही हैं। तो ये वाली जो पिन है अब हमको यहाँ पर कनेक्शन कर देना है, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। तो अभी जो टोटल कनेक्शन है वो हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। पावर देने के लिए दोस्तों, हमने यहाँ पर बेस ट्यूब को पावर देने के लिए यहाँ पर पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया है, इसके कनेक्शन हो चुके हैं। ये दोस्तों हमारे जो नॉर्मल स्पीकर आते हैं होम थिएटर के, वो ही स्पीकर हमारे यहाँ पर रहेंगे। तो टोटल कनेक्शन दोस्तों हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका सेटअप कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा पूरा सेटअप। दोस्तों लास्ट में हमें यहाँ पर इस तरह की जो वायर है वो देखने के लिए मिलती है, जो एक प्लग देख पा रहे हो ये वाला आप, ये होम थिएटर का है। और दोस्तों ये जो वायर है ये हमारी पावर सप्लाई के अंदर से आ रही है। सिंपली दोस्तों हमको ये लाइट में लगा देने हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अभी जो सेटअप है वो हमारे यहाँ पर हो चुका है, होम थिएटर के अंदर लाइट आ चुकी है। देखिए दोस्तों, वीडियो में आपको बता दूँ, अच्छी साउंड क्वालिटी के लिए आप ईयरफोन का इस्तेमाल करें। और दोस्तों, अगर आपको इस सेटअप की सॉन्ग पर, अगर आपको इसकी बेस को टेस्ट करना हो, सॉन्ग पर अगर आपको इसकी साउंड को टेस्ट करना हो, तो इंस्टाग्राम पर मैं इसकी एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। और देखिए दोस्तों, वीडियो में आपको बता दूँ, इस सेटअप के अंदर हमने जितने भी प्रोडक्ट का यहाँ पर इस्तेमाल किया है, चाहे वो हमारी पावर सप्लाई हो, RCA कन्वर्टर हो, RCA पिन हो, बेस ट्यूब हो, तो दोस्तों अगर इनमें से आपको कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदना है, तो इन सभी प्रोडक्ट का ऑनलाइन खरीदने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों, आपको बेस ट्यूब की बेस सुनाने की बारी, होम थिएटर के साथ में आपको किस तरह का बेस देखने के लिए मिलता है, तो चलिए दोस्तों वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो ये साउंड थी दोस्तों हमारे होम थिएटर की, साथ में बेस ट्यूब की, जैसे कि आपने वीडियो में सुना भी है। तो कितने परसेंट आपको बेस यहाँ पर एक्स्ट्रा देखने के लिए मिली है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और रही बात मेरी, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, होम थिएटर की बेस का तो पता भी नहीं यहाँ पर चल रहा था, क्योंकि दोस्तों ये जो बेस ट्यूब है ये बहुत ही ज़्यादा हमें बेस यहाँ पर दे रही थी। और जैसे कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा भी है, बेस के कारण जो हमारी बेस ट्यूब है वो भी अपनी जगह से इधर उधर हो रही थी। तो दोस्तों, आपको ये सेटअप कैसा लगा है ये आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। अगर दोस्तों इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली हो और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों, जो नए लोग हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।